डॉक्टर गुरनाम अपनी गाड़ी चो जल्दी जल्दी दे नाल एयरपोर्ट के उत्ते उतरते हैं तो एयरपोर्ट के विच दाखिल होंगे ने। उन्हां दी फ्लाइट जाने वाली सी। डॉक्टर गुरनाम ने किसी जरूरी कॉन्फ्रेंस के विच जाना सी जो कि खास करके उन्हां दे लई ही आयोजित की गई सी। खैर उन्हां नूं फ्लाइट टाइम ते ही मिल गई तो जहाज उड़िया। अजे फ्लाइट थोड़े चिर ही उड़ी सी कि फ्लाइट कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि मौसम खराब बारिश और आसमानी बिजली करके जहाज किसी नज़दीकी एयरपोर्ट से उतारिया जा रहा है ते एरोप्लेन का रेडियो सिस्टम भी ठीक तरह काम नहीं कर रहा। सो जहाज नेड़े एयरपोर्ट के उत्ते उतारिया। डॉक्टर गुरनाम जहाज चो बाहर आए तो कैप्टन नूं शिकायत करन लगे कि उन्हां दा एक एक पल कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस के विच पहुँचना उन्हां दा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोल ही खड़े एक मुसाफर ने डॉक्टर गुरनाम नूं पहचान लिया और उसने डॉक्टर साहब नूं दस्या कि जिथे वह पहुँचना चाहते हैं वह जगह इतों 3 घंटे की दूरी पर है। जेकर टैक्सी राही पहुँच की जाए तो तुसीं पहुँच सकते हो। डॉक्टर गुरनाम ने उस मुसाफर का धन्यवाद किया ते अपनी मंजिल ते पहुँचने दे लई उसने एक टैक्सी ली। पर खराब मौसम तेज तूफानी बारिश ते बिजली ने टैक्सी का भी चलना मुश्किल कर दिता। पर फिर भी ड्राइवर चलता रहा। पर फिर अचानक ड्राइवर नूं एहसास होया कि शायद वह रस्ता भटक चुके ने। कुछ भी समझ ना आने उस ड्राइवर नूं एक छोटा जिहा कर दसिया। उसने उत्थे गड्डी रोक ली। ड्राइवर नूं उस समय यही एक जगह लगी जिथे वह रुक सकते सी। उन्होंने घर का दरवाजा खड़काया। अंदरों आवाज आती है जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर जाते डॉक्टर साहब ने वेख्या कि एक बजुर्ग माता चौंकड़ा मार के पाठ कर रही है। डॉक्टर ने माता ने कहा कि जेकर उन्हां दी इजाजत होवे तां वह उन्हां दा फोन यूज कर सकते ने। बजुर्ग माता मुस्कुराई ते बोली बेटा केड़ा फोन, इत्थे तां कोई फोन नहीं है अते ना ही इस घर दे विच बिजली ही है। पीण दे लई पानी जरूर मिल जाएगा ते खाण दे लई कुछ फल जरूर मिल जाणगे। कुछ ना कुछ खा लवो तां कि अगे सफर दे लई शक्ति मिल जावे। डॉक्टर ने धन्यवाद किया ते पानी पीण लग्या। बजुर्ग माता फिर अपना पाठ करन लगी तां डॉक्टर साहब दी नज़र एक बच्चे दे उपर पई जो कि कंबल दे विच लपेटिया होया सी, जिसनों माता थोड़ी थोड़ी देर दे बाद हिला दिंदी सी। बजुर्ग माता ने पाठ की समाप्ति की थी कि डॉक्टर साहब ने माता नूं कहा कि माता जी तुहाड़ा सवा ते एहसान ने मेरे उत्ते जादू जिहा कर दिता है। तुसी मेरे लिए एक अरदास कर दिओ कि यह मौसम साफ हो जाए तो मैं अपनी मंजिल ते पहुँच जावां। तुहाड़ी अरदास परमात्मा जरूर कबूल करेगा। बजुर्ग माता बोली नहीं बेटा, इस तरह की कोई गल नहीं, तुसी मेरे मेहमान हो अते मेहमान रब दा रूप हुंदे ने। मैं तुहाडे लई अरदास कीती है ते परमात्मा दा शुक्र है कि उसने मेरी हर एक अरदास सुनी है। बस एक अरदास होर जो मैं उस परमात्मा कोल मंगदी रहिंदी हाँ, शायद मेरे जाण तो पहलां ही रब ये अरदास भी जरूर मंजूर कर लवेगा। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा कि माता जी किहड़ी अरदास। बजुर्ग माता ने कहा कि ये जो 2 सालों का बच्चा है अद मरी हालत दे विच तुहाडे सामने ये पिया होया है, ये मेरा पोतरा है। इसकी ना तो माँ जी हुंदी है ते ना ही पिता। इस बुढ़ापे की उम्र इसकी जिम्मेवारी मेरे मोढ़िया के उपर है। तो माता ने दसिया कि इस नूं कोई खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज वह नहीं करवा सकती। कहते हैं कि एक नामवर डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर गुरनाम, वह इसका ओपरेशन कर सकता है तो उ इसका इलाज भी कर सकता है। पर मैं इस बुढ़ापे में उस तक पहुँच किमें करा, मैं समझ नहीं सकती। जेकर मैं उत्थे पहुँच भी जावां तो पता नहीं कि इसका इलाज दे विच कितना खर्चा आएगा, कि वह डॉक्टर इसका इलाज करेगा या फिर नहीं, ये भी मैनू नहीं पता। हुण तां बस उस परमात्मा वाहिगुरु तो ही मंगदी हाँ कि वह परमात्मा इस मुश्किल नूं किसी तरह आसान कर देवे। डॉक्टर साहब दीआं अखां दे विच हंझू आ गए ते डॉक्टर गुरनाम रोंदियां होईआं अखां ते परे होए गले दे नाल बजुर्ग माता नूं बोलिया कि माता जी तुहाड़ी अरदास ने हवाई जहाज नूं नीचे उतार दिता, असमानां दे विच बिजलियां चमका दित्तियां, मैनू रस्ता बुला दिता तां कि मैं इत्थों तक खिंचिया चलिया आवां। मैनू यकीन नहीं हो रहा कि वह परमात्मा वाहिगुरू अपने भगतां दी अरदास इंज भी कबूल करके अपने भगतां दी इस तरह भी मदद कर सकता है। वह परमात्मा सर्वशक्ति मान है ते एक बार उस परमात्मा नूं याद करन दी लोड़ है। जिथे मनुख बेवस हो जाता है उत्थे परमात्मा दी कृपा शुरू हुंदी है।